दोस्तों नमस्कार, आशा करते हैं सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज मैं जा रही हूँ कुछ काम करने के लिए, क्योंकि अभी की नहीं हूँ तो जा रही हूँ काम करने के लिए और आप लोगों को दिखाऊंगी मेरा काम, मैं क्या चीज़ कर रही हूँ। क्योंकि घर में बैठे बैठे सोची कि अभी लाइट भी नहीं है, लाइट भी गोल हो गया था, तो इसी के कारण मैं तो दोस्तों क्या है ना, आप लोगों को लगता होगा कि मैं फ़ोन कैसे करके मढ़ाते रहती हूँ, तो क्या है ना मेरे पास तीन ठो में देखिए जो छोटा वाला है, इसको भी ऑनलाइन मंगाई थी लेकिन यहाँ पर तो थोड़ा सा टूट गया है, तो उसको देख लीजिए लास्ट टेप में मेरे हस्बैंड जी जोड़ दिए हैं और अभी वो घर में फिलहाल नहीं है, लेकिन बच्चे लोगों को ही संभालते हैं। लेकिन क्या करूँ, मैं बच्चे को भी संभाल रही हूँ और मेरा यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेरे बच्चे का ना मतलब कि कपड़ा में बहुत ज़्यादा कांटा हो जाता है, हम लोग की तरफ ना इतना ज़्यादा कांटा है ना कि वहाँ पर ना जा नहीं पा रहे हैं, तो मैं सोची क्यों नहीं जाके आज थोड़ा सा कांटा को थोड़ा साफ सफाई कर देती, क्योंकि अभी लाइट भी नहीं है, लाइट भी गोल हो चुका है और घर में अच्छा नहीं लग रहा था बैठे बैठे, तो मैं बोल रही बच्चे लोग को खेलते तक मैं भी अपना कुछ काम कर लेती हूँ। आइए आपको दिखाती हूँ, ये देख दिख रहा है ना, वो देखिए इतना बड़ा बड़ा उठा है, वो पूरा कांटा है दोस्तों, जिसमें कि हम लोग अगर चलते भी हैं जाते हैं तो पूरा कपड़ा में ना मतलब कांटा लग जाता है, छुड़ाने में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो जा रही हूँ दोस्तों, मैं भी थोड़ा सा हवा का साफ सफाई कर देती हूँ, क्योंकि बहुत बच्चे लोग भी खेलते हैं, मेरी बेटी भी खेल रही थी यहाँ पर, मैं नहीं थी घर में, तो पूरा कांटा एकदम उसके कपड़े में पूरा का पूरा लग जाता है, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, आप लोग को दिख रहा होगा पूरा बन है, पूरा मतलब कांटा है कांटा। अभी इसको जा रही हूँ, अभी थोड़ा सा क्या है ना थोड़ा मौसम भी थोड़ा बहुत अच्छा कर दिया है तो इसीलिए, और देख लीजिए अभी ये लौवा है, लौवा इसको भी क्या है ना, लौवा को हम मतलब वो चीज़ दे दिए हैं, मतलब कि क्या लकड़ी का बोलते हैं ना झांखी, तो उसी को दे दिए जिसमें कि वो अच्छा से ठीक तरह से अच्छा से फल पाए। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा बकबक नहीं करूँगी, मैं भी अपना कुछ काम कर लेती हूँ, है ना, फिर और भी कुछ काम बाकी है, क्योंकि कुछ नहीं क्यों क्योंकि अभी खाना बनाना है मेरे को, अब अभी खाना नहीं बना पाई हूँ ना, लाइट भी आ चुका है, तो अभी क्या है पता है मैं खाना बनाने जा रही थी, फिर क्या सोची ना कि थोड़ा सा इसको भी मैं थोड़ा अपना काम कर लेती हूँ, तो अभी 2-3 बजता होगा तो अभी थोड़ा चावल खाना नहीं बनाऊंगी, ठंडा हो जाता है ना दोस्तों चावल, तो खाना बनाती हूँ, खाना चाहे सब्जी बनाऊंगी तो ठंडा हो जाता है, तो आज थोड़ा सा लेट ही से बनाऊंगी, थोड़ा सा इसको भी थोड़ा हो जाता है, 1 घंटा इसको करूँगी फिर अपने खाना बनाऊंगी। चलिए वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, अब प्यारा प्यारा कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को मेरे को कि मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, और थोड़ा सपोर्ट करना तो मत भूलिएगा, आप लोग प्लीज सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है, चलिए फिर दोस्तों देख लीजिए ये कांटा है और ये हिस्सा है, देखिए इसको इसको पूरा लूंगी पक्का, कि बहुत ज़्यादा है ना दोस्तों, तो मैं सोची कि पहले थोड़ा सा इसी को कर लेती हूँ अपना काम, फिर जाऊँगी, मेरे को भी बहुत ज़्यादा काम करना है, और थोड़ा सा देख रहे बारिश भी हो रहा है, पता है आप लोग से बात करूँगी ना तो मेरा काम भी नहीं हो पाएगा, तो मैं पहले चलिए अपना अपना फटाफट अपना काम कर लेती हूँ, है ना। अकेला जाता है, लेकिन बुरे के बगैर है कि छू नहीं कर, बढ़िया बात है, हुआ कर देता है चला हम तो कहा था जनी रात से हाथ में के देख देख ने हो और दम दम हो ना कर ले, ये पूरा कहां मिली, पर अच्छा तो गवराई जाने नाल नहीं पाए,
पता है दोस्तों, आप लोग जब देख रहे थे कि मैं दौड़ते दौड़ते चली जा रही थी, मेरे बाबू है ना, तो मेरी बिटिया रानी को धकेल ऐसे ऐसे धक्का दे दे के कुआं के पास ले जा रहे थे। तो अभी क्या है ना, इसके पापा भी घर में नहीं है और वो कुआं के पास बेचारी कहाँ जाने की, मेरे बाबू ना उसी के लिए मैं दौड़ी थी दोस्तों। आप लोग भी सोचते होंगे ना, बहुत ज़्यादा परेशान है बच्चे लोग ना, बहुत ज़्यादा परेशान करके रखे हैं, अपना कुछ काम ही नहीं कर पाती हूँ। बताइए बच्चे लोग को देखने की अपना काम तो दोस्तों देख सकते हैं, मैं जा रही हूँ घर क्योंकि मैं भी अब अपना काम ही नहीं कर पाई। थोड़ा सा बस ये देख लीजिए जो है रखी हूँ। और क्या है ना, अभी मम्मी आई थी, बोल रही थी खाना बनाने के लिए, तो जा रही मैं खाना बनाने। और इस काम को मैं पहले बाद में करूँगी, आवाज़ नहीं कर पाऊँगी, कल करूँगी क्योंकि लाइट एट गोल मत हो जाए ना, तो इसको इसीलिए मैं जल्दी जा रही हूँ, फटाफट अपना काम करूँगी। और आज जा रही हूँ फिर बनाऊँगी सब्जी, भजिया का सब्जी बनाऊँगी। और आप लोगों को भी खाना है तो आप लोग भी आइएगा, ठीक है। सर दोस्तों देख सकते हैं, मैं अपने रूम में आ चुकी हूँ खाना बनाने के लिए, और हीटर भी नहीं चल रहा है, देख रहे बार बार हिल जाता है। अब आ गया। तो दोस्तों देख लीजिए, हमारे यहाँ का जो टीवी था वो टीवी फैन हमारे यहाँ नहीं है, क्या है खराब हो चुका है दोस्तों। तो अभी हम लोग क्या है टीवी लाए थे, वो भी ज्यादा का नहीं, सेकेंड हैंड टीवी था, तो वो भी टीवी चलने के लिए लाइक नामे नहीं कर रहा था, इसलिए उसको ना बनवाने के लिए ले गए हैं अभी मेरे घर वाले ना। देख लीजिए यहाँ पास टीवी नहीं है ना, तो पूरा खाली लग रहा है, एक भी अच्छा लग रहा है, आप लोगों को मैं क्या बताऊँ। चलिए फिलहाल फिर मैं फटाफट अपना तैयारी कर लेती हूँ, सब्जी वब्जी का भी है। तो दोस्तों देख सकते हैं, अभी मैं बना रही हूँ ब्रेड पकौड़ा, और आप लोग देख लीजिए यहाँ बेसन का है, और क्या है केवी का ही नहीं, मैं इसको भी रखी हूँ। और क्या है ना दोस्तों कि अभी लाइट आया है घर में, लाइट भी नहीं था तो मैं बना नहीं पाई थी, तो अभी सब्जी वब्जी ये सब बना चुकी हूँ। देख लीजिए ये कढ़ी और ये है बेसन। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी मैं तैयार हुआ है, अभी एक ही नहीं ज्यादा दूध बना है, और आप लोग को दिखा देते हैं, ये देखिए कितना मोटा मोटा कितना अच्छा बना है, अभी अभी बनाई हूँ। अभी मेरे हस्बैंड जी अभी नहीं आ पाए हैं, अभी तक रात हो गया है दोस्तों, तो अभी आने में थोड़ा सा लेट है, तो उनके आगे तक मैं थोड़ा सा अपना जो काम है कर लेती हूँ। देखिए अभी इतना सारा ब्रेड बनाई हूँ, आप लोग को कैसा लगा, किसको किसको खानी है जल्दी जल्दी आ जाइए, मेरे किसको किसको खानी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये ब्रेड पकौड़ा कौन कौन खाएगा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बनाएगी, अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, हो सके तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो क्या है दोस्तों, अब ज़्यादा मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगी, क्या है कि बच्चे लोग हैं ज़्यादा मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद करके रखे हैं, और अभी अभी के लिए बना पा रही हूँ। तो अभी रात हो चुकी है, रात का अभी 7 बज रहा है, आप सभी को गुड नाइट, ठीक है मेरे तरफ से। तो चलते हैं फिर अपना कुछ काम बना के, बाय बाय।